मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा क्लास है DMYT का और उसका टॉपिक है क्रोमोथेरेपी। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कुछ उसके बेसिक थिंग्स, जैसे कि क्रोमोथेरेपी क्या है। तो क्रोमोथेरेपी क्या है, तो हम लोग जो सूर्य से जो 7 रंग मिलते हैं उसकी मदद से हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। जितनी बीमारियाँ हैं अलग प्रकार की, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो तकलीफें हैं, सभी का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ये 7 कलर से जो सूर्य से मिलता है हमें। अब फिर सूर्य से मिलता है तो हमने सूर्य के बारे में देखा है कि सूर्य कितना इम्पोर्टेंट है, सूर्य क्या है। सूर्य से हमें अग्नि मिलती है, हीट मिलती है, जो कि हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फायर एलिमेंट जो बोलते हैं हम लोग, अग्नि तत्व। फिर उसका हमने आगे इम्पोर्टेंस देखा सनलाइट का, कि सनलाइट जैसे कि पशु पक्षी हो या फिर झाड़ पौधे हो, हमारा एनवायरनमेंट है या कोई भी लिविंग थिंग है, तो सनलाइट के बगैर वो जीवित नहीं रह सकता है। पूरा उसका जो जीवन काल है, पूरा उसकी जो डेली रूटीन है, हर चीज़ें सनलाइट पे ही डिपेंड रहती है। जैसे कि हम अगर हमारे बॉडी का हम लोग देखते हैं ह्यूमन बॉडी, तो सनलाइट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमें फूड नहीं मिलेगा, फिर अगर झाड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसी तरह से हर चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी सन से रिलेटेड है, उसके लाइट से रिलेटेड है। ओके, अब देखते हैं इसमें कि सन लाइट का जो 7 कलर है वो कैसे आते हैं। तो सन लाइट जैसे कि ऑलरेडी उसमें 7 कलर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं विपजोर, मतलब उसका एक शॉर्ट फॉर्म है 7 कलर का। विपजोर मतलब VIBGYOR, जो एक कलर्स है, जैसे कि वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर आर फॉर रेड। ऐसे 7 कलर हमें सूर्य से मिलते हैं। ओके, अब आपने कई बार देखा होगा कि जब भी बारिश आती है तो आपको आकाश में, स्काई में एक रेनबो दिखता है। तो रेनबो क्यों दिखता है, कोई बता सकता है? रेनबो में भी वो 7 कलर होते हैं, तो रेनबो क्यों दिखता है? कोई बता सकता है रेनबो क्यों दिखता है? When sun does reflect across from the that water na or clouds, that time we can see rainbow. Yeah, because the water droplets is working as a prism. Correct. मतलब क्या है कि जब भी एक light का एक beam जब भी एक prism पे पड़ता है, प्रिज्म मतलब क्या है, एक ऐसा शेप का, मतलब ट्रायंगुलर शेप का एक सब्सटेंस होता है, अगर उससे हमारा अगर एक लाइट जो सूर्य से किरण आ रही है अगर वो उससे पास होती है तो वो 7 रंगों में उसको बदल देती है, मतलब उसको सेपरेट करती है 7 रंग में। तो वो 7 रंग ये विपजोर होते हैं। तो उसी तरह जब भी बारिश आती है तो बारिश के टाइम क्या होता है, जब भी बारिश क्लियर हो जाएगा तो क्लाउड्स मतलब जो ऊपर जिसे हम लोग मराठी में ढग बोलते हैं, बादल बोलते हैं, तो बादल में भी बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। और जब ये सूर्य किरण जब वो वाटर ड्रॉपलेट से जब पास होती है तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है, एक जो बूंद है पानी की, वो एज अ प्रिज्म काम करती है, ठीक है, और वो एक बीम को, एक लाइट को 7 रंगों में बदल देती है, ठीक है। और वो 7 रंग जब दिखते हमें आकाश में, तो वो एज अ बो मतलब धनुष जैसे, धनुष के आकार की रहती है, इसलिए उसको रेनबो बोला जाता है, क्योंकि वो पानी से बन रहा है और धनुष के आकार का है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग भी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं क्रोमोथेरेपी से, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि ये जो कलर आ रहे हैं, 7 कलर आ रहे हैं, उसको अलग डिवाइड किया जाए और एक पर्टिकुलर जो कलर है उसका बेनिफिट लिया जाए। जैसे कि हम लोग वाटर चार्ज करते हैं, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, वाटर चार्ज करते हैं, ऑयल चार्ज करते हैं, या फिर कुछ भी, कोई भी फूड सब्सटेंस हम लोग चार्ज करते हैं, तो कैसे करेंगे? अगर वाटर चार्ज करना है रेड कलर से, तो रेड कलर की बॉटल में उसको पानी भर देंगे, तो
वो वाटर चार्ज हो जाएगा रेड कलर से। अगर येलो कलर करना है तो येलो कलर में ऐसे जो कलर हमें चाहिए, जो कलर का हमें चार्ज करना है, तो वो कलर के बॉटल में हम पानी भर देंगे और उसको चार्ज कर लेंगे। उसी तरह ऑयल चार्ज करना है तो ऑयल को भर देंगे। अगर कोई फूड आइटम को, कोई भी फूड प्रोडक्ट को अगर चार्ज करना है तो उसको बॉटल में भर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग ऑयल, वाटर और अदर फूड सब्सटेंस चार्ज करते हैं। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं हमारे बॉडी पे, तभी भी हम लोग कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग आज न्यू टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्रोमोथर्मोलियम। ठीक है, तो क्रोमोथर्मोलियम क्या है? तो थर्मोलियम एक बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें अलग अलग कलर का पार्टीशन किया जाता है। जैसे उसमें चार कलर होते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। ऐसे चार कलर के उसमें पार्टीशन बनाया जाता है, कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कलर से ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये बॉक्स बोलते हैं थर्मोलियम। और इस बॉक्स के मदद से हम लोग क्रोमोथेरेपी भी ले रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है क्रोमोथर्मोलियम। ठीक है, तो ये है क्रोमोथर्मोलियम। अब इसका यूज़ कैसे होता है? तो इसका यूज़ दो टाइप्स में होता है। एक तो लाइंग डाउन पोजिशन में, मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें लोग लेट कर वो बॉक्स से हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सिटिंग पोजिशन में, जैसे हम लोग स्टीम बाथ में बैठे हैं, वैसे ही इसका भी बॉक्स होता है जिसमें चार अलग अलग कलर पार्टीशन किया जाता है, चार अलग अलग कलर को। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा सनलाइट का यूज़ होता है, मतलब जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट रहेगा तब इसको यूज़ किया जाते हैं। तो अगर समर सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो मॉर्निंग या इवनिंग में यूज़ करेंगे हम लोग। अगर ठंडी का मौसम है तो हम लोग इसको दोपहर में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है क्रोमो थर्मोलियम। अब इसका प्रोसीजर कैसा है? तो प्रोसीजर सेम सनबाथ की जैसे रहेगा, मतलब इस सिस्टम में बैठने से पहले हम लोग 1 से 1.5 गिलास पानी पी लेंगे, और फिर कम से कम कपड़ों में जाकर इस बॉक्स में बैठ जाएंगे। अगर सिटिंग पोजीशन वाला है तो उसमें बैठेंगे, और अगर लाइंग डाउन पोजीशन मतलब लेटने वाला है तो हम लोग उसमें आके लेट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर हमारा जो सिर है, अब जो भी अटेंडेंट है, मतलब जो ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उन्हें जो भी पेशेंट है उसके सिर पर एक कोल्ड कॉम्प्रेस रखेगा, मतलब ठंडे पानी का नैपकिन या फिर टॉवेल उसे सिर पर रखेगा। क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमारा सिर जो है वो ठंडा रखना है। ठीक है, और फिर उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये हुआ इसका प्रोसीजर। फिर इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? तो ड्यूरेशन इसका 20 मिनट्स रहता है, 20 मिनट। और अगर ठंडी का दिन है तो 20 से 30 मिनट भी हम लोग उसको रख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सूर्य किरण है, या फिर पेशेंट अगर थोड़ा सा वीक है, या उसको अगर ठीक से फील नहीं हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसको कम समय के लिए, मतलब 10 से 15 मिनट भी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जब भी पेशेंट को ऐसे अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनरिलैक्स लग रहा है, तो उसे तुरंत बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये हो गया इसका प्रोसीजर और टाइम। अब देखते हैं उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। ये जो क्रोमोथर्मोलियम है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो उसको बेनिफिट्स बताने के पहले मैं आपको उसका पिक्चर दिखाता हूँ कैसे दिखता है। स्क्रीन पर देखिए आप, देखिए ये ऐसे बॉक्स रहता है, ये अब लाइंग डाउन पोजिशन का है, मतलब इसमें पेशेंट लेट सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो नेक एरिया है, मतलब सिर का जो भाग है, सिर्फ उतना थोड़ा सा बाहर है और बाकी पूरा बॉडी अंदर होता है। और इसका कलर पार्टीशन इसमें आप लोग देख सकते हैं, तो इसी तरह इसका कलर पार्टीशन रहता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये बॉक्स रखेंगे और उसमें हम लोग लेटेंगे, मतलब लाई डाउन हो जाएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो फेस है, या फिर जो बॉक्स का जो फेस है, वो सूर्य की तरफ रहना चाहिए, ताकि डायरेक्ट सनलाइट हमें मिले और उसका बेनिफिट अच्छी तरह से हो। तो ऐसे बॉक्स से लाइन डाउन पोजीशन में रहते हैं। ओके, अब आप लोग को बताता हूं मैं कि उसका पार्टीशन कैसे किया गया है। जैसे कि सबसे ऊपर होता है ब्लू कलर, जो ब्लू कलर का जो पार्टीशन है वो सबसे ऊपर होता है,
ताकि हमारा जो हेड एरिया और नेक एरिया इतना पोर्शन उसमें कवर हो जाए, क्योंकि हमारे सिर को हमेशा हमें ठंडा रखना है। और हमने देखा कि ब्लू जो कलर है वो कोल्डेस्ट कलर है, सबसे ठंडा जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। फिर नीचे का सेकंड कलर आएगा इसमें ग्रीन, जो हमारे चेस्ट एरिया को कवर करेगा, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट, ठीक है। फिर थर्ड पार्टीशन रहेगा इसमें येलो कलर, येलो कलर हमारे एब्डोमेन एरिया और हमारे जो जिनिटल्स ऑर्गन्स है, जनन इंद्रिया है, वो पार्ट को कवर करेगा। और लास्ट पार्ट रहेगा सबसे नीचे का जो रेड कलर है, जो हमारे दोनों पैरों को कवर करेगा, दोनों लेग्स को, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखिए फिर से, मैं आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रहा अटक है? रहा है वीडियो आपका बहुत। हाँ, तो देखिए हमारे से ये ठीक है। तो जैसे ये हमारा पूरा बॉडी है, ओके। अब ये बॉडी को हम लोग चार पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, वो कलर के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें जो जैसे आपको बताया मैंने कि इसमें चार कलर यूज़ किया जाता है, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, तो उसके हिसाब से, वो कलर के हिसाब से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग उसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो इतना पोर्शन है हमारा, हेड पोर्शन है, तो यहाँ पे कलर रहेगा हमारा ब्लू, ओके। फिर इतना पोर्शन रहेगा हमारा ग्रीन, इतना पोर्शन रहेगा येलो और इतना पोर्शन रहेगा हमारा रेड। अभी पार्टीशन क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कलर की ज़रूरत है, क्योंकि हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है। कुछ कलर ऐसे है कि बहुत गर्म है, कुछ कलर ऐसे है कि बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। जैसे कि अगर जैसे अभी ब्लू कलर है, ये सबसे ठंडा है, अगर ये हम लोग पैरों में यूज़ करते हैं तो क्या होगा? हमारे पैरों को जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो कम नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए। उसी तरह अगर हम लोग रेड कलर अगर ऊपर यूज़ करते हैं हमारे हेड एरिया में, क्या होगा? हमारे जो ब्रेन सेल्स है, जो बहुत नाजुक होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, ब्रेन सेल्स जो होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हर पार्टीशन हमारे बॉडी पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब देखते हैं हम लोग उसका बेनिफिट कैसे रहेगा। तो देखिए सबसे ऊपर जो पार्ट है हमारा, जो हमारे हेड और नेक एरिया को कवर करता है, जो है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का जो एक प्रॉपर्टी है वो क्या है? उसका कूलिंग इफेक्ट रहता है, वो ठंडा रहता है। फिर सेडेटिव रहता है। सेडेटिव मतलब कैसा है कि आपके जो भी विचार है, जो भी पेशेंट स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसको वो रिलैक्स कर देगा। मतलब जब भी आप लोग ये लेते हैं तो आपको थोड़ी सी नींद आने लगेगी और आपका जो ब्रेन है, आपका बॉडी, वो रिलैक्स होने लगेगा, ठीक है। ये कवर कर रहा है हमारा ब्रेन एरिया, मतलब फेस एरिया और नेक एरिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? तो ये हमारे ब्रेन को एक कूलिंग इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, वो उसको रिलैक्स मिलेगा। अब बहुत से पेशेंट एनजाइटी के पेशेंट होते हैं। एनजाइटी मतलब क्या है? जैसे कि अनकंफर्टेबल फील होना, अनवरी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा डर लगना, ठीक है। तो ये सब कंडीशन को बोलते हैं एनजाइटी। तो ये पेशेंट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अब क्योंकि हर पेशेंट का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी को
फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को सराउंडिंग प्रॉब्लम है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है, या फिर कंपनी प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो मैक्सिमम जैसे कि अब ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हम लोग ये हम डायग्नोस होता है कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 80 to 90% पेशेंट सिर्फ डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, कोई ना कोई चिंता में है, और वही कारण बनता है मैक्सिमम बीमारियों का। जिसे हम लोग देखते हैं हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, एनजाइटी या फिर कोई भी बीमारी है, तो उसका मेन कारण क्या होता है? एक तो डाइस प्रॉब्लम है, मतलब हमारा जो डाइजेशन है वो ख़राब है, या फिर दूसरा मेन कारण होता है वो है स्ट्रेस, चिंता, तनाव, यही सब मैक्सिमम चीज़ों का कारण होता है। तो इसीलिए जब हम लोग ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके ब्रेन मतलब हमारे फेस एरिया में, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पेशेंट को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको कूलिंग इफेक्ट की वजह से उसका जो ब्रेन है वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसी जो मेंटल स्थिति है वो स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग कौन से पेशेंट को यूज़ करेंगे, जैसे कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, मतलब तनाव में है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, ओवर थिंकिंग करता है, ऐसे पेशेंट को हम लोग ये ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने 4 पार्टीशन किए हैं तो हम लोग एक पार्टीशन को भी यहाँ पे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें पूरा होल बॉडी को ही देना है। अगर हमें सिर्फ नेक एरिया और हेड एरिया को देना है तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर का अप्लाई करेंगे, बाकी पार्ट को हम लोग नहीं दिया तो भी चलेगा। लेकिन जो फुल बॉडी लेते हैं, मतलब जिन्हें मल्टीपल तकलीफ़ें हैं, जैसे पेन है उनकी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं, हैंड में शोल्डर्स में पेन है, और उसके साथ साथ उन्हें तनाव भी है, मतलब ऐसे जो पेशेंट को मल्टीपल चीज़ें रहेगी तो उन्हें हमें फुल बॉडी को अप्लाई करना है, मतलब चारों कलर का यहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं सिर्फ उन्हें तनाव है, बाकी बॉडी रिलेटेड कुछ नहीं, बाकी तकलीफ़ें नहीं होती है, तो हम लोग सिर्फ ब्लू कलर का भी यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया कि वाटर चार्ज या ऑयल चार्ज, वो यहाँ पे हम लोग पानी यूज़ कर सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग क्रोमोथर्मोलिन देखते हैं। उसमें नेक्स्ट पार्ट है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर हमारा नेक एरिया से लेकर हमारे चेस्ट एरिया तक कवर करता है, मतलब इतना जो पोर्शन है जिसे हम लोग पीछे में देख सकते हैं, नेक एरिया से लेके हमारे चेस्ट लोअर चेस्ट तक यहाँ पे वो कवर करेगा। ग्रीन कलर का प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सेडेटिव है और उसके साथ साथ एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मतलब क्या है कि ऐसा कलर जो रोगाणु को, मतलब जो कीटाणुज है उसको वो मारता है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम जब भी हम लोग हॉस्पिटल्स में भी जो कलर यूज़ करते हैं, कपड़े का कलर या फिर कोई चीज़ का कलर, तो हम लोग उसको ग्रीन यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रीन क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक कलर है। ओके, फिर हम लोग इसको कौन से एरिया में यूज़ कर रहे हैं, तो चेस्ट एरिया और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मतलब लोअर जो चेस्ट हो, जहाँ पे हमारा डायफ्राम रहता है, मतलब हमारा जहाँ पे रिब केज ख़त्म होता है, तो वो है अपर एब्डोमेन एरिया। तो नेक एरिया से लेकर हमारे अपर एब्डोमेन एरिया तक हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसके रेगुलर जो वर्क है, मतलब अगर उसका एबनॉर्मल फंक्शन अगर हो गया है तो उसको रेगुलर लाने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हार्ट रिलेटेड बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, फॉर एग्जांपल पल्पिलेशन। पल्पिलेशन मतलब क्या है, हमारे पल्स रेट कम ज़्यादा होना या फिर इरेगुलर रहना, उसको बोलते हैं पल्पिलेशन। या फिर जैसे आपको लास्ट टाइम कंसेप्ट बताया था मैंने कि हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जैसे कि नॉर्मल हार्ट बीट्स होते हैं 72, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 100 के ऊपर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेचिकार्डिया। या फिर बहुत ज़्यादा अगर लो हो गए, 60 के नीचे अगर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रीन कलर को, मतलब हमारे हार्ट को क्या करेगा, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको नॉर्मल करेगा, उसके फंक्शन को नॉर्मल करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कुछ तकलीफें हैं तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी,
क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है ये ग्रीन कलर एक एंटीसेप्टिक के जैसा काम कर रहा है, मतलब जो भी जर्म्स है बैक्टीरियाज है उसको वो किल करेगा। क्योंकि हमें सर्दी बुखार कफ क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया एंटर किया है और उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है हमारे बॉडी का वो उसकी वजह से होता है हमें सर्दी खांसी। तो जो भी बैक्टीरिया एंटर किया है, वायरस एंटर किया है, तो उसको वो किल कर देगा ग्रीन कलर। ठीक है, फिर इसमें थर्ड कलर है येलो कलर। अब येलो कलर कितना कवर करेगा, तो ये हमारे अपर एब्डोमेन से लेकर हमारे पेल्विक एरिया तक, मतलब हमारे जहाँ पे जंक्शन है हमारे पैर का और हमारे लोअर एब्डोमेन का, जहाँ से हमारे लेग स्टार्ट होते हैं, तो उतने एरिया को ये कवर करेगा। मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, फिर लीवर है, स्प्लीन है, फिर नीचे जिनिटल्स ऑर्गन्स है मतलब जननेंद्रिया है, और हमारे ब्लड ब्लैडर है। ठीक है, तो इतने जितने भी ये एरिया में पार्ट्स आते हैं अपर एब्डोमेन से लेके लोअर एब्डोमेन तक, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, येलो कलर का प्रॉपर्टी क्या है, तो ये एक एल्युमिनिटी करके काम करता है। एल्युमिनेटिव बोलते हैं, मतलब ये जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो बाहर एलिमिनेट करता है, मतलब शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए बोलते हैं उसको एल्युमिनेटी प्रॉपर्टी है इसका। ओके, जैसे कि हमने देखा है कि जो मैक्सिमम जो बीमारियां है उसका जो ओरिजिन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। जैसे कि अगर हम लोग कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, संक्रमित खाना खा रहे हैं, तो वो अंदर जाकर हमारे सिस्टम को ख़राब कर देगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर वो अफेक्ट करेगा, और फिर वो जो जर्म्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, और फिर हमारी बाकी जो बीमारियां है वो तैयार होगी। इसीलिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सबसे मेन कारण होता है सभी बीमारियों का, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी 90 से 99% है वो सभी बीमारियों का जो ओरिजिन है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। अब वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, फॉरेन मैटर प्रेजेंट है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर जब भी इनडाइजेशन होता है, मतलब जो भी हम लोग खा रहे हैं अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तभी भी वहाँ पे बहुत प्रकार की गैसेस तैयार होगी। ठीक है, फिर वहाँ पे जर्म्स तैयार होंगे, बहुत बैक्टीरिया तैयार होंगे, और फिर वो कारण बनेंगे कई सारी बीमारियों का। ओके, तो ये जो येलो कलर है उसकी जो एल्युमिनिटी जो प्रॉपर्टी है, जो एलिमिनेट करता है जो भी टॉक्सिन्स है, फॉरेन मैटर है, मतलब जो विजातीय पदार्थ है हमारे बॉडी में, उसको वो हमारे बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, तो आपको बता दिया मैंने कि ये अपर एब्डोमेन से लेकर हमारे पेल्विक गर्दन तक, मतलब हमारे जो पैर के जंक्शंस है वहाँ तक वो कवर करता है। उसमें हमारे मेन ऑर्गन्स भी आ जाएंगे, जैसे कोलन है, इंटेस्टाइन्स है, फिर लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, फिर उसके साथ साथ हमारे यूनरी ब्लैडर है, मतलब यूनरी ट्रैक पूरा कवर हो जाएगा उसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर हमारे जो जेनिटल ऑर्गन्स है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर इसका बेनिफिट क्या रहेगा, तो बेनिफिट आपको एक बता दिया मैंने कि हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, फॉरेन मैटर है, उसको वो एलिमिनेट करेगा, मतलब शरीर से फ्लश आउट करेगा, बाहर निकालेगा। उसके साथ साथ जो हमारे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है उसको वो कवर करेगा, मतलब अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई तो उसको नॉर्मल करेगा। अब पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या है, तो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट ये है कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इनर लेयर है वो हमेशा मूव होते रहती है। मूव कैसे होती है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकुंचन और प्रसार, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, जमा होना और फैलना, मतलब रिलैक्स होना। तो ये कंटिन्यूस इनवॉलेंट्री फंक्शन है, मतलब अनिच्छिक है, हमारी इच्छा से नहीं चलता, ये ऑटोमेटिकली ही चलते रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनवॉलेंट्री फंक्शन या इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो ये जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है उसे बोला जाता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक है
जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और एनस में ख़त्म होती है। तो ये पूरी जो एक सिंगल जो ट्यूब है, ये पूरे ट्यूब में ये मूवमेंट चलते रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो वो हमारे माउथ से लेकर इसोफेगस में जाएगा, मतलब अन्न नली में जाएगा, फिर हमारे स्टमक में जाएगा, पेट में, फिर डियोडेनम से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और फिर पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे एनस थ्रू, हमारे गुदा द्वारे वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब होगा, मतलब फूड जो भी हम लोग खा रहे हैं उसमें मूवमेंट कैसे होगा, तो ये पेरिस्टेसिस मूवमेंट की वजह से होता है। और कई बार फिर कुछ बीमारियों के कारण, कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से, कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से ये जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है या फिर एबनॉर्मल हो जाती है। मतलब कई बार बहुत ज़्यादा होगी और कई बार बहुत स्लो हो जाएगी। तो ऐसे से क्या होगा, हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, हमारा जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन है वो ठीक से नहीं होगा, और जो मूवमेंट हो रहा है पूरे बॉडी में, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड का, वो ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो मेन मूवमेंट्स रहती है वो हमारी आंतों में रहती है, मतलब जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन, उसका मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी फूड है, जो भी वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, जो भी वहाँ पे डियोडोनम की तरफ से, स्टमक की तरफ से जो भी ब्रेक डाउन हुआ है, वहाँ पे उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उसमें जो न्यूट्रिशंस रहेंगे, पोषक तत्व रहेंगे, वो पूरा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा छोटी आंत में, और फिर जाकर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, मतलब हमारे पूरे सेल्स को, मसल्स को और ऑर्गन्स को जाके वो मिलेगा, ठीक है। फिर बड़ी आंत का काम क्या है, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक पेस्ट टाइप फॉर्म में, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में उसको बदल कर वो बाहर निकालने का काम करेगा, ओके। और जब ये दो इंटेस्टाइन, मतलब जो स्मॉल और लॉन्ग इंटेस्टाइन है, उनका मूवमेंट जब ठीक से नहीं होता है, उनका वर्किंग ठीक से नहीं होता है, तो कई सारी बीमारियां वहाँ पे हो जाती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, फिर इंडाइजेशन है, और लो ऑफ एपेटाइट है, फिर माल न्यूट्रिशन है, मतलब पोषण की कमी, ये सब चीज़ें बीमारियाँ यहाँ से फिर स्टार्ट होती हैं। इसीलिए जो येलो कलर है वो क्या करेगा, उसकी जो एल्यूमिनेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसकी वजह से वो जो इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट है, पेरिस्टेसिस मूवमेंट है, उसको वो प्रमोट करेगा, मतलब जो एबनॉर्मलिटी आ गई है उसमें, उसको नॉर्मल करेगा, और जो भी हमारे डाइट से रिलेटेड जो भी तकलीफ हो रही है उसको वो नॉर्मल करेगा। इसके साथ साथ हमारे जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी तकलीफ है उसको भी वो नॉर्मल करेगा, जैसे कि बहुत लोगों को यूनरी जो ब्लैडर है वो उसमें तकलीफ रहता है, मतलब जो हमारे यूरिन जो स्टोर होना चाहिए वो स्टोर ठीक से नहीं होता है, या फिर इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का तकलीफ होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड तकलीफ मतलब क्या है, उसमें इन्फ्लामेशन आता है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा कि हमारा जो टॉयलेट है, जो यूरिन है, वो ठीक से पास नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हमें फीलिंग होगा कि यूरिन पास करना है, मतलब हमें टॉयलेट लगेंगी, लेकिन जब हम लोग टॉयलेट के जाएंगे तो टॉयलेट नहीं निकलेगा, मतलब यूरिनेट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें किसकी तकलीफ़ है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ़ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ कई सारी तकलीफ हो सकती है, मतलब टॉयलेट नहीं आना, या फिर बार बार आना, या फिर टॉयलेट करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, उसमें डिस्टर्बेंस होना, मतलब ये सब चीज़ें हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड होती है, हमारे जो यूनरी ब्लैडर है, यूनरी ट्रैक है, ये सबसे रिलेटेड होती है। तो ये सब चीज़ों को भी ये नॉर्मल करेगा। उसके साथ साथ जैसे जो मेल जीनिटल ऑर्गन्स है, जैसे कि पेनिस है, फिर स्क्रोटम है, टेस्टिस है, इनका अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है तो उसको वो ठीक करेगा। फीमेल्स में वजाइना है, फिर यूटेरस है, तो ये सब चीज़ें को वो ठीक करेगा, इसी जो तकलीफ़ है उसको वो ठीक करेगा, ओके। तो ये हुआ हमारा येलो कलर। फिर लास्ट कलर है जिसका नाम है रेड। अब रेड हमारे कवर करता है हमारे लेग्स को, हमारे पैरों को, ठीक है। अब पैर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो पैर में हो सकती है हमारे वेरिकोज वेन, जो सबसे कॉमन चीज़ है। वेरिकोज वेन मतलब क्या है, हिंदी में इसको कुछ
कुटिल शिराए बोले जाता है, मतलब उम्र के हिसाब से कई बार, या फिर कुछ बीमारियों के हिसाब से, या फिर किसी का अगर बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी पैरों की जो वेन्स है उसमें एक वॉल्व भी होती है जो ब्लड को वापस हमारे हार्ट की तरफ पहुंचाती है, क्योंकि हमारा हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन ब्लड वो हमारे बाकी पार्ट्स को प्रोवाइड करेगा जैसे कि लेग्स को, और जो डी ऑक्सीजन ब्लड है वो फिर से हमारे हार्ट की तरफ जाएगा ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, जब ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है और अगर हमारे जो वेन्स है उसमें की जो वॉल्व भी अगर वो ख़राब है, तो जो ब्लड है वो ऊपर हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो कुछ प्रमाण में नीचे पैरों में जमा रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पैर, मतलब घुटना हो या फिर घुटने के पीछे का एरिया, या फिर जो हमारा काफ एरिया है, मतलब पिंडलियाँ जो हमारी होती है वो एरिया में आपको ऐसे हरी नीली या ऐसे अलग अलग कलर की वहाँ पे शिराए दिखने को मिलेंगी, वेंस दिखने को मिलेंगी, जो हम लोग जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें वेरिकोस वेन है। अब ये किसी को कुछ कम प्रमाण में रहेगा, किसी को ज़्यादा रहेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ वो दिखता है कि ये कलर की वेंस यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे इसकी तकलीफ बढ़ती है या फिर इसमें कई बार ब्लॉकेजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ पे जमा हो रहा है तो हमारी जो वेंस है वो एक रस्सी की तरह वहाँ पे घुमेटने लगती है वो ब्लड के प्रेशर की वजह से, और वो डायलेट होती है, मतलब फैलने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार जब इसका सीवियर कंडीशन आता है तो वो नस हमारी बाहर पैरों पे बाहर दिखने लगती है, और हाथों को हम लोग हाथों से हमें वो फील कर सकते हैं। कई पेशेंट को आपने देखा होगा कि जिन्हें वेरिकोज वेन है सीवियर कंडीशन का, तो उनकी जो वेन्स है, उनकी जो नसें हैं वो बाहर से दिखाई पड़ती है मोटी मोटी, मतलब हाथ लगा हम उसको फील कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रमाण में होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वेरिकोज वेन की तकलीफ है, या फिर हमारी जो वॉल्विज है, हमारी जो वॉल्व होती है वेन में की, वो खराब रहती है। ठीक है, अब रेड कलर का प्रॉपर्टी क्या है, तो रेड कलर का प्रॉपर्टी है कि वो एंटी स्पास्मोडिक है। एंटी स्पास्मोडिक मतलब क्या है, तो स्पास्मोडिक मतलब एक स्पाज्म होता है, मतलब ऐंठन, हम हिंदी में उसको ऐंठन बोल सकते हैं या मरोड़ बोल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा या फिर फील किया होगा कि हमें कई बार पेट में तकलीफ होती है तो हम लोग बोलते हैं ऐसे कि मरोड़ आ रहा है, मतलब अंदर से जो हमारी मसल्स है वो ऐसे खिंचाव तैयार करती है। कई बार पैरों में भी अगर बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग अप रह रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार पैर में भी ऐसा खिंचाव तैयार होता है, तो वो फीलिंग को, मतलब वो कंडीशन को बोलते हैं स्पाज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे इनवॉलंटरी मसल्स का एक एबनॉर्मलिटी है, मतलब अगर उनका फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो ये चीज हमें फील होगा, स्पाज्म जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो रेड कलर है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एंटी स्पाज्मोटिक, मतलब ऐसे जो स्पाज्म रहेंगे, ऐसे जो एटन रहेंगी, इसको वो ठीक करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो एज अ पेन किलर भी यूज किया जाता है। पेन किलर क्यों, क्योंकि वो रेड कलर है, वो गर्म है, और गर्म की वजह से हमारे जो मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो एज अ पेन किलर भी काम करता है। अब आगे हम लोग जब देखेंगे कि जब मालिश की जाती है, जब मसाज किया जाता है, अगर कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, या फिर अगर जब भी हम लोग पैरालिसिस पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं, तो ऐसे में हम लोग रेड कलर चार्ज ऑयल यूज करते हैं, मतलब ऐसा तेल यूज करते हैं जो रेड कलर से चार्ज हुआ है, क्योंकि वो एज अ पेन किलर काम करता है, वो एक गर्मावट तैयार करता है, हीट तैयार करता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पैरों में जो भी तकलीफ रहेंगी, अब पैरों में तकलीफ अलग अलग हो सकती है, जैसे कि घुटने में तकलीफ है, हमारे पिंडलियों में तकलीफ है, एंकल में तकलीफ है, या फिर फीट में तकलीफ है, ऐसे अलग अलग तकलीफ उसमें हो सकती है, तो ये सभी तकलीफों को ये कम कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे रेड कलर। यहाँ पे हमने चारों कलर कवर कर लिए, जैसे कि ब्लू, फिर ग्रीन, येलो और रेड, यही चार कलर हम लोग
क्रोमोथर्मोलिया में यूज किया जाता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।